पाकिस्तान की एक ऐसी रेजिडेंशियल सोसाइटी जो आपके रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस को 100% प्रॉफिट के साथ जो है वो फुलफिल करती है। आज हम बात करेंगे ऐसी एक सोसाइटी के बारे में। डिटेल्स जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हिरा उसामा आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आप पूरी दुनिया से अपनी जो क्वेरीज हैं रिलेटेड टू योर आपकी रेजिडेंशियल या कमर्शियल एक्टिविटीज़ विद इन द प्रेमिसेस ऑफ पाकिस्तान, आप उसको हमारे चैनल्स के थ्रू और हमारे ऑफिशियल टीम के थ्रू जो है वो फुलफ़िल करवा सकते हैं। इसी फ्रेमवर्क के अंदर आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपके साथ एक ओवरव्यू शेयर करूंगी या एक थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करूंगी, वो है DHA प्रिज्म 9 या DHA का फेस 9। जैसे कि आप सब जानते हैं कि DHA एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जिसने अपने क़याम से लेके अब तक पूरे पाकिस्तान में जितनी भी टॉप सोसाइटीज़ को कभी रैंक किया गया है तो हमेशा ऑन द टॉप DHA ही रही है और DHA ने ही इस रिकॉर्ड को अब तक बना के रखा हुआ है। ऑल दो इस तरह की बहुत सारी और भी सोसाइटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं जो बहुत मेहनत के साथ और एक बहुत अच्छे तरीके के साथ काम कर रही हैं और बहुत तेज़ी के साथ तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन DHA के ऊपर लोगों का या एंड यूज़र्स का जो ट्रस्ट है वो जिस तरीके से कायम है, DHA उसको फुलफ़िल करने में और मेंटेन करने में हमेशा से ही आप कह लीजिए कि अपफ्रंट ही रहा है। DHA के फेजेस से रिलेटेड अगर बात की जाए तो जितने भी फेजेस DHA के लाहौर के अंदर मौजूद हैं तकरीबन 12 to 13, उसमें आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगी वो है DHA फेज़ 9 या प्रिज्म 9। इससे प्रीवियस जो मेरी वीडियो ऑन एयर गई थी उसमें मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस किया था आपके साथ DHA के फेज़ 8 के बारे में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और उसके अंदर मौजूद रेजिडेंशियल और कमर्शियल जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज थी और जो प्राइस रेंजेस थी उनके बारे में। उसी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने चूज़ किया DHA फेज़ 9। और अगर इसकी सबसे पहले लोकेशन की बात की जाए, क्योंकि लोकेशन किसी भी सोसाइटी की सक्सेस के लिए एक की पॉइंट है या आप कह लीजिए कि बैकबोन का दर्जा रखता है। जब लोकेशन आपकी डिज़ायर्ड होती है और आपको जो है ना लोकेशन अपील करती है, तभी आप वहाँ पर जाने का, वहाँ पर इन्वेस्ट करने का सोचते हैं और तभी आपके रेजिडेंशियल पर्पसेस या जो आपके इन्वेस्टमेंट पर्पसेस हैं वो पूरे भी होते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए या बिज़नेस की ग्रोथ के लिए उसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। DHA प्रिज्म 9 की लोकेशन की बात की जाए तो ये फिरोजपुर रोड और बेदिया रोड के बीच में आता है, और अगर इसकी अप्रोचेस की बात की जाए तो आप 3 से 4 अप्रोचेस से जो है ना यहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं, जिसमें अस्करी 11 आ जाता है, एयरपोर्ट रोड आ जाता है। इसके अलावा आप इसको DHA फेज़ 5 and 6 के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं एंड प्लस आप इसको रिंग रोड इंटरचेंज से भी अप्रोच कर सकते हैं। प्रिज्म 9 के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो माशाल्लाह तकरीबन 40,000 कनाल का इनके पास एक कसीर रकबा था या एक पूरी इनके पास लैंड थी जो इन्होंने एक्वायर की है प्रिज्म 9 के लिए स्पेशली डेडिकेट की है, और जिसके अंदर माशाल्लाह तकरीबन 24,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स प्रोवाइड किए हैं, जबकि 2,000 कमर्शियल प्लॉट्स भी इनके अंदर जो है ना कमर्शियल प्लॉट्स की भी प्रोविजन है। इसके अंदर फर्दर मैं अगर बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बाहर कैटेगरी की कि जी प्लॉट्स की कटिंग्स या कैटेगरीज क्या प्रोवाइड की गई हैं, तो 5 मरला 10 मरला 1 कनाल और 2 कनाल की जो है वो इसके अंदर एक अच्छी कैटेगरी प्लॉट्स की प्रोवाइड की गई है। और इसके अंदर क्योंकि सेक्टर्स हमारे पास तकरीबन I से R तक आ जाते हैं, तो सॉरी A to R तक हमारे पास इसमें सेक्टर्स हैं, जिसके अंदर सेक्टर I और सेक्टर O नहीं है, वो अभी तक मार्क्ड या सिंबल नहीं है। A to R इसके अंदर सेक्टर्स मौजूद हैं जिसमें I और O सेक्टर्स मौजूद नहीं हैं। अच्छा, अब इन सेक्टर्स के अंदर बेसिकली ऐसा है कि 70 to 80% का जो हमारा एरिया है सेक्टर्स के अंदर जो आबादी है वो तकरीबन इन्होंने बड़ी कटिंग्स या एक कनाल को डेडिकेट की हुई है। 70 to 80% एक कनाल की कटिंग मिलेगी आपको प्रिज्म 9 के अंदर, जबकि जो रिमेनिंग आपका रेस्ट ऑफ 20 to 30% है उसके अंदर आपके पास जो कैटेगरीज आती हैं उसमें आपको 5 मरला भी आप अवेल कर सकते हैं, 10 मरला भी कर सकते हैं और 2 कनाल भी अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास ब्लॉक्स आ जाते हैं जिसमें एक सी ब्लॉक आ जाता है, इसके बाद हमारे पास जे ब्लॉक आ जाता है, के ब्लॉक आ जाता है और स्पेसिफिकली क्यू एंड आर ब्लॉक, ये जो 5 ब्लॉक हैं हमारे पास, इन ब्लॉक्स के अंदर कनाल की कटिंग्स के साथ साथ आपको 5 मरला और 10 मरला की भी कटिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जबकि जो रिमेनिंग हमारे पास सेक्टर्स आ जाते हैं वो तकरीबन सारे के सारे कनाल और 2 कनाल की कटिंग्स पर मौजूद हैं। थोड़ा सा प्राइस रेंज की मैं बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर बनाना, क्योंकि हमारे पास जो छोटे प्लॉट्स हैं यानी जो छोटी कटिंग है 5 और 10 मरला की,
उसी का जो है बेसिकली मार्केट में जो बायर होता है वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जो है वो ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो पाँच मरला जो स्टार्ट करता है हमारे इन लिमिटेड सेक्टर्स के अंदर, वो आपका स्टार्ट करते हैं तकरीबन 75-80 लाख रुपीज़ से, और वो लोकेशन को कवर करते हुए कैटेगोरिकली अगर आप जाते हैं और आप किसी कैटेगरी के प्लॉट अवेल करना चाहते हैं तो वो आपको तकरीबन 1.5 करोड़ तक के ब्रैकेट में मिलता है, प्लस माइनस के अंदर जो है वो डील मैच्योर हो जाती है। 10 मरला की बात की जाए तो कंपैरेटिवली 10 मरला स्टार्ट होता है 140-145-50, इनफैक्ट आप 150 प्लस में ही ले लीजिए, 150 से स्टार्ट होता है। और कैटेगरिकली जाएँ और हम अगर कैटेगरी का प्लॉट देखें यानी कि फेसिंग पार्क या मेन बुलेवर्ड का या फेसिंग अपना कोई भी आपकी चीज़ आ जाती है, कोई लेक आ जाती है या वहाँ पे गोल्फ़ कोर्सेज बन रहे हैं वो आ जाते हैं, या आपके जो है ना आप ये कह लीजिए कि कॉर्नर के प्लॉट आ जाते हैं, तो वो तकरीबन स्टार्ट हो रहे हैं 1.5 करोड़ से और उनकी कैटेगरी जाती है तकरीबन 3 करोड़ के प्लस माइनस में। इसी तरह कनाल की अगर बात की जाए तो सबसे लोएस्ट जो कनाल का रेट है प्रिज्म 9 के अंदर वो तकरीबन 1.70-1.75 1 करोड़ 75 लाख से स्टार्ट होता है और तकरीबन 3.5-4 करोड़ तक जाता है एंड सो ऑन। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो सेक्टर डी आता है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, सेक्टर डी के अंदर क्योंकि गोल्फ कोर्स बन रहा है तो वहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल कैटेगरी है जो कि 2 कनाल के फेसिंग गोल्फ कोर्स के ऊपर मुहित है। यानी कि अगर आप वहाँ पे हमारे से क्वेरी करते हैं कि जी 2 कनाल का हमें प्लॉट चाहिए जो कि फेसिंग गोल्फ कोर्स हो, हमारे उन क्लाइंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है इन चीज़ों से, तो मैं बताते चलूँ आसान अल्फाज में कि गोल्फ़ कोर्स के सामने या गोल्फ कोर्स को फेस करते हुए जो हमारे प्लॉट्स हैं उनकी आजकल जो डिमांड है वो तकरीबन 6.5-7 करोड़ से स्टार्ट होती है, उससे थोड़ा नीचे भी आ जाती हैं, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है और फिर ऑफ़र दे के डील स्ट्राइक करने के ऊपर डिपेंड करता है, वो तकरीबन आपकी 9-9.25 करोड़ तक के ऊपर जो है ना वो बात जाती है और इन बिटवीन आपकी डील स्ट्राइक हो जाती है। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे प्रिज्म 9 का, उसके अंदर मौजूद जो हमारे पास सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स के अंदर जो फर्दर प्रोविज़न है हमारे पास प्लॉट्स की उनके बारे में एन प्लस प्राइस रेंजेस की। इससे अगर हट के हम इम्यूनिटीज़ या फैसिलिटीज़ की बात करें तो DHA के अंदर मौजूद इम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ से मेरा नहीं ख्याल कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अनजान होंगे या जानते नहीं होंगे। आप ये कह लीजिए कि ओला क्वालिटी की जो है ना वहाँ पे आपको इम्यूनिटीज़ की प्रोविजंस है, आपको वहाँ पे पार्क्स मिलेंगे, मस्जिद मिलेंगी, वहाँ पे आपको एजुकेशन सिस्टम का एक पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा, इसके अलावा अंडरग्राउंड जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस वगैरह के मामलात हैं वो, और फिर आपको जो है क्राइसिस फ्री एक एनर्जी सिस्टम मिल जाता है, फुल प्रूफ आपको सिक्योरिटी मिलती है। और एक सबसे अच्छी बात जो मैं DHA की वीडियो में अक्सर कोट करती हूँ कि DHA के अंदर की आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि अगर आप उसको एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी DHA के अंदर प्लॉट आप अपना लेकर भूल जाते हैं या रख छोड़ते हैं तो आप उसको चाहे 10 या 20 या 25 सालों बाद या 50 साल बाद भी अगर आप उस जगह को अप्रोच करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी कि आपको वहाँ पे किसी किस्म का जो है ना वो हर्डल या आपको वहाँ पे किसी किस्म का जो है ना वो हिजल नहीं जो है वो फेस करना पड़ेगा, आपका हिजल फ्री वहाँ पर जो है बिल्कुल इन्वायरमेंट है, किसी किस्म की आपको वहाँ पे हर्डल्स नहीं मिलेंगे और आप जाके अपनी प्रॉपर्टी को उसी तरीके से फर्दर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाय कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, आपको आपकी वहाँ पर प्रॉपर्टी की जो भी इन्वेस्टमेंट है आया वो आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं या आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट गेन करने का रेशियो है, तो आपकी DHA के अंदर की गई इन्वेस्टमेंट 100% सेफ एंड सिक्योर है एंड प्लस विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको 100% जो है ना उसका प्रॉफिट या बेनिफिट भी मिलता है। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे DHA का और DHA की जो एक कंप्लीट मार्केट है या जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं या जो उनके माइलस्टोन्स हैं जो वो अचीव कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका। तो DHA प्रिज्म 9 से रिलेटेड या मेरी प्रीवियस वीडियो का DHA फेज 8 से रिलेटेड या किसी भी फेज़ जो कि लाहौर के प्रीमिसेस के अंदर हैं या पूरे पाकिस्तान के जो मल्टीपल शहर हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, अपना मुल्तान, गुजरांवाला वगैरह, कहीं पर भी कराची इवन आप DHA जहाँ पे मौजूद हैं उनसे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है हमारे नंबर स्क्रीन पर गिवन है और DHA से हटकर पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आपकी रेजिडेंशियल या कमर्शियल कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट टाइटेनियम ग्रुप एंड हीरा ओसामा एनी टाइम। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी मजीद कुछ इन्फॉर्मेटिव स्टफ लेके आप सबके लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आज के लिए इजाजत दीजिए, दिस इज हीरा ओसामा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।